अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 0 को आप कभी भी स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं रखो। फॉर एग्जांपल, देखो अगर डिजिट गिवन डिजिट है आपकी आपकी मान लो 205, इससे हमें कोई नंबर बनाना है, ठीक है ना, तो रॉन्ग नंबर कौन सा होगा, मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है, कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप ये बताइए 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो आप अगर इस तरीके से लिखें 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर अगर आप बनाओगे तो अगर आप 025 लिखोगे तो इसको आप क्या पढ़ रहे हो, 025 लिखोगे तो इसको आप क्या रीड कर रहे हो, इसको आप रीड करोगे 25 ऑनली, क्योंकि 0 आगे लिखा है जिसकी हम कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, उसको रीडिंग में वैल्यू नहीं लेते हैं, इसको हम 25 केवल बोलेंगे, तो ये 2 डिजिट नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर तो हमें बनाना नहीं था, हमें तो बनाना था 3 डिजिट नंबर, इट मीन्स ये हमारा रॉन्ग होगा। तो 3 डिजिट नंबर सिर्फ ऐसे बन सकते हैं कि जो 0 स्टार्टिंग पोजीशन पे ना आए, मतलब उस समय अगर 0 दिया है गिवन डिजिट में और बोला कि 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर बनाओ और बोला कि 0 मतलब 0 आपको क्या नहीं लेनी है, स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं लेनी है, ठीक है ना, तो मैंने जैसे इसका क्या बन सकता है 205 बन सकता है, ठीक है ना, 502 बन सकता है, ठीक है, और आपका 250 बन सकता है, ठीक है, 520 बन सकता है, इस तरीके से नंबर बन सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब इसी तरीके से सेकंड, when we form largest number, अगर जब भी हम largest number बनाते हैं, डिजिट से लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, डिजिट से क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, डिजिट से व्हेन वी फॉर्म लार्जेस्ट नंबर देन वी अरेंज डिजिट फ्रॉम greater to smaller, देखो जब भी आपको मैं बोलूं कि कुछ डिजिट दी हुई है, कुछ डिजिट जैसे आपको मान लो 368 या कोई भी एनी डिजिट आपको दी है और मैं बोलूं उससे लार्जेस्ट नंबर बनाओ, तो लार्जेस्ट नंबर में आपको सिंपल क्या करना है, वी अरेंज द डिजिट फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर और इन असेंडिंग ऑर्डर और इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आपको जब भी मतलब कोई भी नंबर ग्रेटर टू स्मॉलर बनाना होगा, मतलब कोई भी नंबर आपको ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा, तो आपको क्या करना है, उसको ग्रेटर टू स्मॉलर डिजिट में अरेंज कर दीजिए। देखो फॉर एग्जाम्पल गिवन डिजिट ये हमने ले लेते हैं, अपने आपसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई डिजिट गिवन है, मान लो हमें 3.6.8 के डिजिट है, ठीक है, अब हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है इनी डिजिट की हेल्प से लार्जेस्ट नंबर, तो मैंने बोला इसको ग्रेटर से स्मॉलर की फॉर्म में अरेंज कर दो, ग्रेटर से स्मॉलर की फॉर्म में अरेंज कर दो, तो ग्रेटर क्या है 8, स्मॉलर क्या है, फिर उससे स्मॉलर क्या है 3, बन गया लार्जेस्ट नंबर बन गया। तो लार्जेस्ट नंबर जब भी बनाना हो तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज कर देना, बस किस ऑर्डर में अरेंज कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज कर देना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आपको
स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तब आप क्या करोगे, इसी का मान लो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। इसी का अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर में आपको स्मॉलेस्ट नंबर में आपको क्या करना है, स्मॉल टू ग्रेटर कर देना, अरेंज इन ठीक है ना, ग्रेटर टू स्मॉलर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मींस होता है ना बड़े से छोटा। हाँ बेटा बोलो, हाँ हाँ नोट कर लो, ठीक है ना, नोट करने से जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी है ना उसके पहले आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े में अरेंज करना है, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो ये क्या हो जाएगा, 3, 6, 8, क्योंकि 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 1। तो कभी भी कोई भी नंबर अगर हम फॉर्म करते हैं और बोला है ग्रेटर नंबर बनाना है, तो ग्रेटर नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉल मतलब ग्रेटर टू स्मॉल में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज करना है। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्मॉल टू ग्रेटर, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो याद रखना जब भी आपको फॉर्म इस एक्सरसाइज में नंबर को ही फॉर्म करना बताया जाएगा, ठीक है ना, ओके एक, ठीक है, बस इस तरीके से इतना आप देख लो, बाकी हम एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट बी। फर्स्ट बी की एक्सरसाइज फर्स्ट बी में आपको देख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर फाइंड आउट करने, ठीक है। अब उनके आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सभी के पास बुक तो हो, कंपोजिट बुक पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट बी क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है ना, उसमें लिखा है इन विच ऑर्डर शुड द 4 डिफरेंट डिजिट बी अरेंज्ड टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमने अभी आपको बताया कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब कोई भी लार्जेस्ट नंबर अगर निकालना है आपको, अगर 4 डिजिट दी हो, 5 डिजिट दी हो, 6 दियो, 2 दियो, 1 तो मतलब सिंगल ही, तो 3 दियो, जितनी भी आपको डिजिट दी हो, जितनी भी आपको डिजिट दी हो आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या कर देना है, मैंने अभी इसमें डेफिनेशन में भी लिखवाया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। किस ऑर्डर में, जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। इसी तरीके से देखो इन विच ऑर्डर, बस वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतने ही मतलब सिर्फ सिंपल सी बात पूछ रहा है, किस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे अगर हमें क्या निकालना हो, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लो, लार्जेस्ट नंबर निकाल लो। अगर कोई डिजिट आपको गिवन है, कोई भी डिजिट, चलो मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं, देखो 1, 2, 3, 4, अब इसका लार्जेस्ट नंबर बताइए क्या आएगा, आप क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, 4 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, लार्जेस्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो ये आपको याद रखना है, जब भी ग्रेटर नंबर निकालना है, जब भी लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आपको सिंपल से क्या लिख देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो ये पूछता है किस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, किस ऑर्डर में, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से एक बार और सुन लो आप, उसमें लिखा है इन विच ऑर्डर शुड द 4 डिजिट बी अरेंज्ड टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर आपको 4 डिजिट दी हुई है और बोल रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर आप बताइए, तो कैसे उसको किस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में अरेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया, अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 डिजिट है और इसका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालिए, सारी डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, तो आपका आंसर आता है 4, 3, 2, 1, रिपीटेशन अलाउड नहीं है अगर इसमें, तो 4, 3, 2, 1, तो मैंने किस ऑर्डर में अरेंज किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो आपको सिंपल सा यही फाइंड आउट करना था, मतलब यही बताना था किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो इसका आंसर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर,
व्हाट इज द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग आ डिजिट इन एनी नंबर. ठीक है ना, मतलब इसमें लिखा है कि हम थ्री डिजिट नंबर कितने बना लेंगे, थ्री डिजिट के कितने नंबर बना लेंगे और कौन कौन सी डिजिट का यूज करके. 0, 1, 5 विथाउट रिपीटिंग अ डिजिट, डिजिट को रिपीट नहीं करना है, डिजिट को रिपीट नहीं करना है इन एनी नंबर. ठीक है, हमें नंबर बना के नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये बताना है कि कितने नंबर हम बना लेंगे, कितने नंबर हम बना लेंगे. How many number we form with the help of these three digits? अब देखिए, और repeat भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, repeat नहीं करना है. देखो अभी मैं direct answer नहीं लिख रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं example में बता भी चुका था जब zero हम लेकर चले थे, इसमें एक digit आपको zero दिख रही है, given digit 0, 1, 5 ये थ्री डिजिट आपको दिए. ठीक है ना, अब आपको देखो नंबर कौन कौन से बनते हैं, नंबर फॉर्म देखना. अब हमें बताइए थ्री डिजिट नंबर के बनाने हमें कितने बनाने, थ्री डिजिट का नंबर बनाना है. अब हम एक बात तो फिक्स है कि यहां पर हम क्या नहीं रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते हैं. जीरो या यहां पर आएगा या यहां पर आएगा हमेशा. ठीक है ना, जीरो या यहां पर आएगा या यहां पर. पहले मैंने जीरो यहां पर लिख दिया, पहले हमने जीरो यहां पर लिख दिया, तो अब हमारा वन यहां लिख सकते हैं, फाइव यहां लिख सकते हैं, फिर तो कैसे भी लिख दो, लेकिन बस जीरो आपका आगे नहीं आएगा. अभी एक और नंबर इसी से बन सकता है कि देखो जीरो तो आपका अभी मिडिल में था, अभी मैंने 1 यहां पर रखा, 5 यहां पर रखा, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, 5 यहां पर रखा, 1 यहां पर रखा, 5 यहां पर रखा और 1 यहां पर रखा. हाँ ठीक है ना, अब आप देखिए अभी तो मैंने 0 मिडिल में लिया था, 0 आगे तो ले ही नहीं सकते ना, उसके लिए तो क्या कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, कंडीशन अलाउ नहीं करती है, क्योंकि वो कहती है कि स्टार्टिंग पोजीशन पे जीरो नहीं हो सकता है किसी भी नंबर फॉर्म करते हैं. अगर किसी फिक्स डिजिट नंबर, फिक्स डिजिट से कोई नंबर फॉर्म करते हैं तो जीरो आगे नहीं हो सकता है, जीरो इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर वो नंबर ऑफ डिजिट कम हो जाएंगे. जैसे मैंने बोला था 0, 2, 5 वो टू डिजिट का नंबर कहलाएगा, वो थ्री डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा. इसी तरीके से जीरो आगे नहीं आ सकता था, तो जीरो मिडिल में आ सकता था, मिडिल में आ गया, मैंने दो पोजीशन पे रखा था, एक जगह यहां वन रख दिया था, एक जगह फाइव, फिर इंटरचेंज कर दिया, फाइव इधर रख दिया, वन इधर रख दिया. ठीक है, अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं जीरो एक जगह और आ सकता है, कहां आ सकता है, एंड में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, जीरो एंड में भी आ सकता है. तो जीरो एंड में आ सकता है, तो वन यहां लिख दो, फाइव यहां लिख दो, फिर बाकी डिजिट को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, बची हुई डिजिट को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, इट्स नॉट मैटर. लेकिन मेन आपका मैटर है कि आपका क्या नहीं आना चाहिए, जीरो आगे नहीं आना चाहिए. ठीक है ना, अब जब वन यहां रखा, फाइव यहां रखा, तो नेक्स्ट में हम फाइव यहां रखते हैं, वन यहां रखते हैं, इसके अलावा कोई नंबर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो हाँ रिपीटेशन अलाउ हो तो बन सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है. आप रिपीटेशन माने एक ही डिजिट को बार बार नहीं लिख सकते हैं. यहां पर बोला है उसने कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट आ डिजिट इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में आपको डिजिट को रिपीट नहीं करना है. डिजिट को रिपीट नहीं करना है मतलब वही डिजिट, वन को दो बार नहीं लिखना है, जीरो को दो बार नहीं लिखना है, या तीन बार नहीं लिखना है, फाइव को दो बार, तीन बार नहीं लिखना है, जो भी डिजिट है उसको एक ही बार लिखना है. और एक बार लिखने के साथ साथ जीरो आगे भी नहीं आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, तब आपके कितने नंबर बनते हैं ये हमको देखना था. तो हमारे नंबर बन रहे हैं कितने, फोर नंबर, कितने नंबर बन रहे हैं, टोटल फोर बन रहे हैं. और टोटल फोर नंबर बन रहा है तो उसने यही पूछा था हाउ मे, व्हाट इज द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर, कितने थ्री डिजिट के नंबर. तो टोटल फोर नंबर फॉर्म्ड, टोटल फोर नंबर फॉर्म
टोटल फोर नंबर फॉर्म ऑफ, ठीक है, कितने नंबर फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम डिजिट फ्रॉम डिजिट 0, 1, 5, ठीक है। तो आपको बताना था कितने नंबर बन रहे हैं, तो देखो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, टोटल चार नंबर बन रहे हैं, फोर नंबर बन रहे हैं। तो बस आपको सिंपल सा लिख देना है टोटल फोर नंबर फॉर्म फ्रॉम डिजिट 0, 1, 5, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट। ओ ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अभी यार मैंने बताया जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। तो बस हट से उस उन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, इसी का जैसे थर्ड वाला है, ठीक है ना। उसमें लिखा है कि राइट द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आप देखते हो ना, मैंने अभी बताया कि जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बस दो होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नंबर नंबर यूजिंग द डिजिट 2, 3, and 5 is the ascending order of the digit. Ascending means छोटे से, is the ascending order of digit. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा। तो 2, 3, 5 तो आपका आंसर क्या आया, 235। क्या आंसर आया, 235। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, क्वेश्चन जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बोले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ही नहीं, ये तो मल्टीपल चॉइस नहीं है लेकिन एग्जाम में मतलब चूज द करेक्ट में आ सकता है एक नंबर मार्क्स वन नंबर में, कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर जब भी बनाना हो, स्मॉलेस्ट नंबर आपको किसी भी थ्री डिजिट से बनाना हो तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये। और अगर यहाँ पर कहीं जीरो होता तो आपको जीरो स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं लेना होता, स्टार्टिंग पोजीशन के जस्ट बाद सेकंड पोजीशन पे लेते अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता। आएगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ओके फोर्थ, एनीवन हैव एनी डाउट, कहीं किसी को डाउट है, प्लीज टेल यस या ओके 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 ठीक है, नोट डाउन करते जाए। मैं आपका जैसी चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपकी कॉपी देखूंगा, ठीक है ना, और कैसे देखूंगा वो मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के जस्ट बाद बताऊंगा, ठीक है ना। आप तो ठीक है, बस नोट मेरा पूरा वर्क आपकी कॉपी में होना चाहिए जो जो मैं कर पाऊँ। ओके राइट द स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 0, and 4। यू कैन रिपीट एनी वन ऑफ द डिजिट ट्वाइस। उसमें लिखा है, आप देख रहे हो एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 7, ठीक है ना, पेज नंबर 7 का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला, उसमें लिखा है कि राइट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 0, and 4। यू कैन रिपीट एनी वन ऑफ द डिजिट ट्वाइस, किसी एक डिजिट को आप दो बार यूज कर सकते हो। देखिए सिंपल सा, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर using the digit 1, 0, and 4।
अब आपको देखो, ध्यान से देखना, और आपको सिर्फ एक डिजिट को रिपीट भी, देखो अगर वो क्वेश्चन भी नहीं बोलता तो भी हमें पता मतलब होना चाहिए कि एक डिजिट को रिपीट करना है। अगर नहीं करना होता तो फिर इन थ्री डिजिट से फोर डिजिट का नंबर कैसे बन जाता, इसलिए बुक वाले ने पहले से भी दे दिया। अब आपको लेकिन एक कंडीशन है, इसमें जीरो आ गया है, और मैंने बोला था कि फोर डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है आपको, फोर प्लेसेस ले ली मैंने, फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो इस हिसाब से तो आपको जीरो फर्स्ट पोजिशन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है। लेकिन हमारी कंडीशन होती है कि जीरो स्टार्टिंग पोजिशन पे आ ही नहीं सकता है। अब जीरो स्टार्टिंग पोजिशन पे नहीं आ सकता है तो उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर तो स्टार्टिंग पोजिशन पे आ सकता है ना, उससे जस्ट बड़ा वाला स्टार्टिंग पोजीशन पे आ सकता है। तो मैं उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर क्या है, वन। अब देखिए आपको बनाना था फोर डिजिट का, और कोई एक डिजिट सिंगल डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो, सिंगल डिजिट को रिपीट कर, हम चाहते हैं कि जीरो को रिपीट करें। अगर वन को रिपीट करेंगे तो 1100 कुछ बन जाएगा, 1100 कुछ बन जाएगा। अगर हम 4 को रखेंगे तो 1400 कुछ बन जाएगा। लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना, स्मॉलेस्ट, जितनी ज्यादा स्मॉलेस्ट, तो सब जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज करो। स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज करेंगे तो हम यहां जीरो लिख सकते हैं, अब तो जीरो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अब तो वो काउंट होगा, पहले स्टार्टिंग पोजिशन पे काउंट नहीं हो रहा था लेकिन अब काउंट होगा। और बोल रहा था कि एक डिजिट को रिपीट कर सकते हो, तो क्यों ना मैं जीरो को रिपीट करूं, जीरो को रिपीट करूंगा तो भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। अगर हम फोर को रिपीट करेंगे, देखो मान लो मैंने इधर फोर फोर लिख दिया तो ये 44 हो जाएगा, 1044, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना, तो उससे भी स्मॉलेस्ट बन सकता है अगर हम जीरो को रिपीट करते हैं, तो 1004 आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, बिकॉज कि इसमें जीरो नंबर है, जीरो डिजिट है, जीरो को हम स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं, बट आफ्टर द स्टार्टिंग पोजीशन वी कैन पुट द जीरो हियर, ठीक है, वी कैन रिपीट आल्सो द जीरो बिकॉज वी हैव टू फॉर्म स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विद रिपीटिंग सिंगल डिजिट। एक डिजिट को रिपीट करके हमें क्या करना है, नंबर को बनाना है, और नंबर को बनाना है ये बन जाएगा आपका, है ना, कहीं दिक्कत, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 0 and 4, ठीक है ना, ए, ठीक है, यहां लिख भी सकते हो कंडीशन जीरो इज नेवर बी बी एट स्टार्टिंग पोजीशन, जीरो क्या नहीं होता, स्टार्टिंग पोजीशन पे कभी नहीं होता, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको थोड़ा देख सकते हो, हम उसकी लिंक आपके ग्रुप पे साइन कर देंगे, ठीक है ना, ओके। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर विद 2 एट इट्स वन प्लेस एंड 3 एट इट्स 10 प्लेस। देखो सुनना, देखो बच्चों सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आपके लिए तो बहुत ही सिंपल है। लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाना है, क्या बनाना है, लार्जेस्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट बी पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ वाला, लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर यस बेटा, फोर डिजिट लिखा है, एक मिनट, आप कौन सा पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट का फिफ्थ वाला बेटा, फर्स्ट का फिफ्थ देखो अच्छे से, हेलो, उसमें फाइव डिजिट लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ, तो एक्सरसाइज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ वाला है ना, ओके, लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म व्हेन 2 एट 2 कहां पर है आपका, वंस प्लेस पर है,
एंड 3 एट 10th प्लेस. ठीक है, ओके. अब देखिए आपको 5 डिजिट, तो 5 आपको ब्लैंक ले लेना है. ठीक है, और आपको इंडियन सिस्टम में कॉमास का भी यूज कर देना है. इंडियन सिस्टम में आप कॉमास जो जानते हैं, पहले 3 के बाद कॉमा आता है, 3 डिजिट के बाद, फिर 2 के बाद लगता है, लेकिन हमारे पास 2 ही डिजिट है तो कॉमा नहीं लगेगा. ठीक है, अब उसने एक कंडीशन दे दी है कि 2 कहां पर होना चाहिए, 1's प्लेस पर लिख तू. और क्या कंडीशन दे दी है कि 3 आपका 10's प्लेस पर होना चाहिए, लिख दिया. ठीक है ना, अब आप उसने ये बोला है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है. 5 डिजिट का अगर सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ी डिजिट लिखनी पड़ेगी, उसके अलावा तो कुछ और लिखना नहीं पड़ेगा ना. तो सबसे बड़ी डिजिट तो क्या होती है, 9 होती है. उससे बड़ी डिजिट होती भी नहीं है हमारी बुक में, हमारी मैथ में, सॉरी, हमारी मैथ में सबसे बड़ी डिजिट 9 होती है. तो सब में 9 पुट कर दो, बस सब में, बस बन गया. देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि उसने, देखो वंस और टेंस का जो डिजिट थी वो उसने खुद बोल दी थी, खुद बता दी थी उसने, बुक वालों ने बोल दिया था कि यहां पर वंस पे रखना आप 2 और टेंस पे रखना आप 3. अब बाकी 3 जो प्लेसेस है वो हमें खुद फिल करनी थी, लेकिन वो फिल हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, हमें लार्जेस्ट नंबर बनाने के हिसाब से करना है. और लार्जेस्ट नंबर जब बनाना है तो लार्जेस्ट डिजिट ही फिल कर सकते हैं. और लार्जेस्ट डिजिट अगर फिल करना है तो 999 ऑल नंबर, जितने भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं 3 डिजिट के. ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, दोनों ही करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, दोनों करवा देता हूँ. तो पहला वाला फर्स्ट करवा देता हूँ. हाँ देखो, इसमें लिखा है 6,7,5. ठीक है, ठीक है ना. ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 6,7,5. अब मुझे देखिए, मैं 3 डिजिट की प्लेसेस बना ले रहा हूं. ये कंडीशन बंद हो जाए कि 0 आप स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं रख सकते हो. ठीक है, आपको क्या करना है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट को सिंपल सा यहां 6 रख दिया, यहां 6 रख दिया. ठीक है, आपका जो फर्स्ट डिजिट है उनकी फर्स्ट आपके कॉलम को कॉलम में रख देना है. यहां सेकंड डिजिट है तो सेकंड डिजिट को रख देना है, यहां 5 है तो 5 को रख देना है. ठीक है, यहां आप देखो, यहां 6 है, हमने कौन सा डिजिट नहीं रखा है, हमने नहीं रखा है 7, नहीं रखा है 5, नहीं रखा, हमने 6 रखा. हमने क्या नहीं रखा, 7 नहीं रखा, 5 नहीं रखा, हमने सिर्फ 6 रखा है. तो हम 7 और 5 को ऐसे इंटरचेंज, यहां 7, यहां 5, यहां 5, यहां 7, बस हो गया, नंबर बन गए. एक बन गया 675, एक बन गया 657. पहले तो आपको, देखो आपको पता है, अगर 0 नहीं हो, अगर 0 नहीं हो तो आपको इस तरीके से अरेंज कर देना. आपको फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड डिजिट को फर्स्ट कॉलम में, थर्ड डिजिट को मतलब फर्स्ट कॉलम में. अब आपके, हेलो, आपके देखो 2 डिजिट लेफ्ट थे तो आपने उसको रख दिया और फिर उसको इंटरचेंज कर दिया. फिर आपका एक 7 रखा था, फिर आपको 7 रखा तो कौन सी 2 डिजिट बची, 7 रखने के बाद 2 डिजिट जो बची वो 6 और 5, वो बची 6 और 5. हेलो, हाँ, जो आपकी 6 और 5, तो आपने 6 को यहां रखा, 5 को यहां रखा, 5 को यहां रखा, 6 को यहां रखा, बस इंटरचेंज. पहले 65 रखा तो 56 रख देना है. अब थर्ड वाले में आपका 5 है तो 6 और 7 नहीं है, 5 है तो 6 और 7 नहीं है, तो आप क्या रखना है, 6 पहले रखा, 7 बाद में रखा, 7 पहले रखा, 6 बाद में, बन गए सभी नंबर. और कोई नंबर इन डिजिट से बन ही नहीं सकते हैं, और कोई नंबर इन डिजिट से बन ही नहीं सकते हैं. मेरा कहना ये है कि और कोई नंबर इन डिजिट से बन ही नहीं सकते. आपका बन सकता है 675, 657, 765, 756, 567, 570. मैंने सिर्फ इन्हीं 3 डिजिट का यूज किया, 6, 7 और 5. समझ रहे हैं आप,
अब इसका एक और तरीका है जो बुक में दिया है, आप उस मेथड से भी देख सकते हो। आपको रिपीटेशन भी नहीं करना, आपकी कंडीशन क्या है, रिपीटेशन नहीं करना सर, तीनों डिजिट लेनी है हर बार, ठीक है ना। अब आपका जो बुक का पैट है तो वो आपको क्या करना है कि इसमें इस तरीके से करना है, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। फिर आपको 7, आपका एक डिजिट क्या है 7 है और एक डिजिट क्या है 5 है। फिर यहां से पहले मैंने 7 लिख दिया था, अब आपको 5 लिख देना है, फिर 7 लिख देना है। इसी तरीके से यहां 7 है तो 6 बचा और 5 बचा, और पहले 6 लिखा तो अब पहले 5 लिख दो, फिर 6 लिख दो। इसी तरीके से आप पहले इस पे 5 में क्या लिख दो, पहले 7 लिख दो फिर 6 लिख दो। अब जैसे मैंने पहले 7 लिखा फिर 6 लिखा, तो फिर 6 लिख दो फिर 7 लिख दो आप, ठीक है ना। इस तरीके से अब इसमें क्या हो गया, इस 675, तो पहला नंबर क्या हुआ 675। फिर इधर है 657, तो आपका सेकंड नंबर क्या हुआ 657। फिर आपका क्या है इधर 765, तो 765। फिर आपका है 756, तो आपका नंबर क्या हुआ 756। फिर आपका नंबर है 576, तो आपका क्या हो गया 576। फिर आपका नंबर क्या है 567, तो 567। इस तरीके से आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो, जैसे मैंने किया अपनी मेथड से वैसे भी आप फॉर्म कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपको बस ऑल थ्री पॉसिबल नंबर, मतलब ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर बनाने थे, तो आपको बना के दिखाए। अब आपको क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जीरो दिया है, तो जीरो आप स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं रखते, रख सकते हो कि स्टार्टिंग पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे आप जीरो नहीं रख पाओगे। जब स्टार्टिंग पोजीशन पे जीरो नहीं रख पाओगे, इसका मतलब है कि आप उस नंबर को, वो दो नंबर नहीं बन पाएंगे, तो ओनली कितने नंबर बनेंगे, 4 नंबर बनेंगे। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बना के भी दिखाए थे, सिर्फ आपके 2 नंबर फॉर्म नहीं हो पाएंगे, बाकी नंबर आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो जिस नंबर में जीरो है, और अगर 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो कितने नंबर बनेंगे, 4। और जिस क्वेश्चन में जीरो नहीं है और आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो कितने बनेंगे, 6, ठीक है। सेकंड वाला आपके लिए घर से होमवर्क है, ठीक है ना। अब देखो आपका नेक्स्ट, देखो यूज थर्ड क्वेश्चन जो है, यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है। मतलब ये 4 डिजिट जो दिए हैं, 2156 दिया है, 7809 दिया है, फिर इस तरीके से और भी क्वेश्चन है।